कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सरकार सतर्क है। खुद चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग शुक्रवार को स्टेट वायरोलॉजी लैबोरेटरी पहुंचे, जहां उन्होंने लैबोरेटरी में व्होल जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन का निरीक्षण किया। जीनोम सीक्वेंसिंग से कोरोना के नए वेरिएंट की पहचान होगी। मंत्री सारंग ने बताया कि केंद्र सरकार के निर्देश अनुसार यहां पॉजिटिव केसों की जीनोम सीक्वेंसिंग होगी। आपको बता दें कि भोपाल में एम्स के बाद स्टेट वायरोलॉजी लैबोरेटरी में भी जीनोम सीक्वेंसिंग हो सकेगी। यहां एक बार में 96 पॉजिटिव केसों की जीनोम सीक्वेंसिंग हो सकेगी। पूरी तैयारी है, देखिए पहले ही हमने हर तरह की तैयारी की है। हमारे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट सुचारू रूप से काम कर रहे हैं, उसकी हमने पूरी एक व्यवस्था बनाई है, कैलेंडर बनाया है, उसकी हर महीने मॉक ड्रिल करते हैं हम। संपूर्ण प्लांट अच्छे से चल सके इसकी संपूर्ण व्यवस्था की गई है। 43,000 बिस्तर हमारे पास है पूरे मध्य प्रदेश में, और सभी तरह की जो भी कोविड से संबंधित हमारी तैयारी है वो पूरी है। और उसके साथ साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का जो निर्देश होगा हम उसका पालन करेंगे। जीनोम सीक्वेंसिंग इसीलिए क्योंकि नए वेरिएंट की बात आ रही है, इसलिए केंद्र सरकार की ओर से ये दिशा निर्देश दिया गया है कि हमारे जो भी पॉजिटिव केस आ रहे हैं उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग करें, जिससे कहीं कोई नया वेरिएंट तो नहीं है इसका पता लग सके। नहीं देखिए, हमारे पास सफिशियंट वैक्सीन केंद्र सरकार की ओर से मिलती है जो हमें जरूरत है, और लगातार हमारा प्रयास है। और मध्य प्रदेश ने वैक्सीनेशन में अच्छा काम किया, चाहे पहला डोज हो, सेकंड डोज हो, या प्रिकॉशन या बूस्टर डोज हो, संपूर्ण जो एलिजिबल हमारा सेगमेंट है उसको हम वैक्सीन लगा रहे हैं। देखिए हमारी मशीन इंस्टॉल हो गई है, जो भी मैन पावर है वो पूरी तरह अरेंज हो गया है, एनसीडीसी हमें किट प्रोवाइड कर रही है, हम पूरी तरह तैयारी में हैं। जब भी हमें जीनोम सीक्वेंसिंग करना होगा हम कर सकते हैं। कोरोना के अभी हमारे यहाँ केवल 4 एक्टिव केस हैं मध्य प्रदेश में। पिछले 2-3 दिन से कोई पॉजिटिव केस नहीं आया है, कोई भी हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं है, सभी जो 4 पॉजिटिव केस हैं वो होम आइसोलेशन में है, कहीं ऐसी स्थिति नहीं है। पिछले 3-4 दिन से कोई पॉजिटिव केस नहीं आया है।